एवरीवन, अभी टाइम हो रही है दोपहर के एक और नहा धोके फ्रेश होके पूजा वूजा सब कुछ मैंने कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ शर्मिता के घर। किस रीजन से जा रही हूँ वो तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी मेरा ये ड्रेस, क्या आप लोगों को याद है, ये मैं आंदामान जाने से पहले खरीदी थी। मेरा एक बहुत ही फेवरेट ड्रेस है ये। आंदामान में मैंने इसको बस एक ही बार पहनी थी, उससे पहले कभी पहनी भी नहीं थी। इवन उसके बाद भी कभी भी आप लोगों ने मुझे ये ड्रेस और पहनते हुए नहीं देखा है। इसका पीछे एक रीज़न है। आंदामान से आने के बाद ना सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धो रही थी, तो फिर इसको भी मैंने डाल दिया था नॉर्मल कपड़ों के साथ। और इसमें ना कुछ वो ग्लिटर्स का डिज़ाइन बनाया हुआ है, मतलब इतना मुझे ध्यान में नहीं था। पता तो है कि ग्लिटर वाला चीज़ें वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़ों के साथ नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अनकॉन्शियसली मैंने डाल दिया था। जब ये ड्रेस धुल के आया उस टाइम मैं देख रही हूँ कि इस ड्रेस का जो एक्चुअल ब्यूटी है वो ही खत्म हो गया है, सारा ग्लिटर इसका ख़राब हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली, ये देखिए आप देख सकते हो पूरा ग्लिटर ना इधर उधर सब कुछ छूट गया है। तो इस ड्रेस को ना और बाहर पहनने का लायक है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अभी घर पे ही पहन लेते हैं। यहाँ पे जो बेल्ट था इसमें भी बहुत सुंदर ग्लिटर का काम किया हुआ था, वो भी चला गया है। तो ये बाहर पहनने का लायक तो बिल्कुल भी अभी और नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल प्योर कॉटन का है ना, बहुत कंफर्टेबल है, तो क्यों ना इसको घर पे ही पहन लिया जाए। जितना जल्दी मतलब जितना फ्रीक्वेंटली इसको मैं पहनूंगी उतना जल्दी ये खराब हो जाएगा, फिर ऐसे ग्लिटर वाला ड्रेस और मैं कभी नहीं खरीदूंगी। एनीवे सौरभ तो हॉस्पिटल में ही है, कल तो हॉस्पिटल गया था आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अभी तक तो वो वापस नहीं आया, तो वो हॉस्पिटल में ही लंच कर लेगा, मुझे फ़ोन करके बोल दिया है, क्योंकि दादा भाई को हॉस्पिटल जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हॉस्पिटल में ही लंच कर लेगा। उसको घर आते आते मोस्ट प्रोबेबली शाम इवनिंग तो हो ही जाएगा, हाँ 6-7 तो बज ही जाएगा उसको घर आते आते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं शर्मिता के घर। देखिए गाड़ी हमारा ना कितने दिन से ऐसे ही ढका पड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल तो कहीं पे भी निकलते ही नहीं है ना, टाइम भी नहीं मिलता सौरभ को, और मुझे तो ड्राइविंग अभी तक आता नहीं है, तो इसलिए गाड़ी हमारा ऐसे ही ढका पड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारा बेसमेंट का जो बाउंड्री है ना उसका जो ग्रिल है वो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इसीलिए ना रात के टाइम पर काफ़ी टाइम कुत्ता बिल्ली ये सब कुछ घुस जाता है और ना गाड़ी में स्क्रैच कर देता है। हमारे गाड़ी में भी एक दो बार किया था, छोटा छोटा स्क्रैच है, लेकिन यहाँ पर और एक नया सुजुकी का कार है, देख सकते हो यहाँ पर ढका हुआ है ना, तो ये वाला कार नया है। जिस दिन का कार डिलीवरी मिली है ना उसके एक हफ्ता बाद ही कुत्ता ने इतना गंदे तरीके से स्क्रैच कर दिया है उनके कार में, उसके बाद से ना सब लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं और सब लोग अपने अपने कार को ऐसे ही कवर करके रखते हैं। पता नहीं कब निकलेगा दोबारा हमारा कार और यहाँ पे हमारा स्कूटी। सो आते ही मैं यहाँ पे लग गई हूँ कुछ काम पे। ये देखिए मेरा फेवरेट काम, अंडा का छिलका उतारना। मैं घर पे भी ये करने में एकदम से माहिर हूँ, लेकिन आज पता नहीं शायद अंडा अच्छे से बॉयल नहीं हुआ, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ अंडा छिलका उतारने टाइम ऐसा हो गया है। ये देखिए हाँ फट गया है थोड़ा थोड़ा, इतना सारा अंडा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। तो आज का मेन्यू मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे है मसूर का दाल जो कि एकदम से जम गया है, इसको थोड़ा पतला करना है ना, और चावल ऑलरेडी बन गया है। यहाँ पे बन रहा है आलू परवल का एक भाजी, हाँ बहुत ही सिंपल सा एक भाजी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। एक्चुअली शर्मिता जो कुछ भी बनाती है ना सब कुछ एक से बढ़कर एक होता है। और यहाँ पर अभी शर्मिता बना रही है कि नाम बोला तो रेसिपीटा चिली एग, चिली सोया गरम पानी, हाँ 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 अच्छा यहाँ पे चिली एग वो बना रही है। ये एक्चुअली ना मेरे रिया की रसोई चैनल में ऑलरेडी रेसिपी इसका शेयर किया हुआ है, उस टाइम पे हम लोग नोएडा में रहते थे ना, तो एक बार ये रेसिपी शर्मिता बनाई थी मेरे घर पे, तो उस टाइम पे मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। और ये देखिए शर्मिता यहाँ पे अभी क्या कर रही है अंडा काट रही है चलो कुछ दिन बाद तो तुम्हारा छुट्टी, बाय द वे कल से ही तुम्हारा छुट्टी किचन से है ना कल से ही छुट्टी और एक हफ्ता बाद तो बल्ले बल्ले रीज़न यही है कि कल शर्मिता और रितेश भैया दोबारा जा रहे हैं कोयम्बटूर कुछ ऑफिस के काम से, और वहीं से वो लोग डायरेक्ट चले जाएंगे कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए। जस्ट इसके चेहरे में स्माइली देखिए आप लोग, और मेरे चेहरे में भी देखिए, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ उसके बावजूद भी वो जा रही है ना, ये सोच के हाँ यही सोच के मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि चलो ठीक है वो लोग तो एटलीस्ट एंजॉय कर रहे हैं, मतलब जाने जा वो लोग रहे हैं और एक्साइटमेंट मेरे अंदर है जो कि मेरे फेस से आप लोगों को पता चल ही रहा है। तो दुर्गा पूजा एकदम बिता के दिवाली का पहले आ जाओगे ना, फिर दिवाली में हम लोग घर चले जाएंगे, तो काफ़ी दिन तक मिलना नहीं होगा। तो आज ही हमारा लास्ट मीटिंग है, उसके बाद एकदम दिवाली के बाद ही हम लोग मिलेंगे। ये देखिए पिक्सी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका ना अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा बाल आ गया है, पिकू पिकू और रितेश भैया यहाँ पे घर का काम कर रहे हैं, सोफा वोफा ठीक करना ये सब कुछ, और ऊपर से किसी से बात भी कर रहे हैं, कान में उनका हेडफोन लगाया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी जस्ट टीवी ही देख रहे थे। ए पिक्सी बैठे बैठे सो रहा है, देखिए पिकू सो लंच वंच हमारा हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ घर। टाइम हो रही है शाम के 5, और यहाँ पे है मेरे पास हांडी जो कि गणेश चतुर्थी के दिन में लेके आई थी, और यहाँ पे है कारपेट और माधुर, ये अभी घर पे लेके जा रहे हैं क्योंकि ये लोग माधुर इसको बंगाली में बोलते हैं, इसको माधुर बोलते हैं, वो वाला कारपेट है और ये वाला माधुर है।
तो क्या बोलते हैं मोदो इतना सब कुछ लेके तो अकेला जा नहीं पाऊंगी, तो रितेश भैया जा रहे हैं मुझे भी घर छोड़ने। और रितेश भैया का तो देखिए फेस एकदम ग्लोई ग्लोई हो गया है, ससुराल जा रहे हैं, जामा यादव मिलेगा, देख रहे हो आप, आपको लग रहा है कि मैं ग्लो कर रहा हूँ? हाँ लग रहा है। रितेश भैया को अभी दुबला पतला देख लीजिए, जब ससुराल से आएगा उस टाइम पे डबल हो जाएगा वेट। ये बंगाली लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जब दामाद जाता है ना, कितने दिन बाद जा रहे हो वो भी? लगभग एक साल बाद ना, एक साल बाद दामाद जा रहा है ससुराल, तो समझ ही सकते हो ना कि क्या, बंगाली में बोलते हैं खातिर जोतनो, तो बिल्कुल वो वाला पैम्परिंग मिलेगा आपको। 70 किलो है ना अभी आपको वेट? अभी 72 ना, जब रितेश भैया वापस आएंगे उस टाइम पे 99-100 ऐसा तो हो ही जाएगा। उसे पहले 2-3 kg कम करके जाऊंगा कि वो 3 kg बढ़ गई। हाँ बैलेंस हो जाएगा बाद में। चलिए सौरभ तो अभी तक आया नहीं है, वो भी आ जाएगा कुछ ही देर में। हेलो बाय बाय, फिर मिलेंगे दुर्गा पूजा के बाद, दिवाली के बाद। हाँ दुर्गा पूजा के बाद फिर हम लोग दिवाली में घर जाएंगे, तो एकदम दिवाली के बाद ही मिलेंगे। अच्छा हाँ ये तुम लोग कब जाएंगे? अभी हमारे कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जाएंगे तो श्योर। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी फॉर टुमारो। शर्मिता और रितेश भैया जब लास्ट टाइम भी गए थे ना कोयम्बटूर ऑफिस के ट्रेनिंग से ही, तो उस टाइम पे मेरे लिए ये देखिए कितना सुंदर एक सिल्वर का स्टोन वाला एक पेंडेंट और साथ में चेन लेके आए हैं। तो आज मैं गई थी ना, तो फिर वो मुझे याद करके दे दिया है, बोला कि अभी हम लोग तो काफ़ी दिन तक नहीं रहेंगे, तो ये तुम लेके जाओ दुर्गा पूजा के टाइम पे या तो फिर दिवाली के टाइम पे, इसको कोई भी ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकते हो। देखिए यहाँ पे ना एक छोटा सा ओम भी लिखा हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, डेफिनेटली किसी ना किसी ड्रेस के साथ तो मैं इसको पहनूंगी ही। अभी भी बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है और देखिए आसमान, बादल तो एक बूंद भी नहीं है, लग रहा है कि बारिश आज भी होने नहीं वाली है और काफ़ी गर्मी है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मेरा भी कुछ पर्सनल काम वाम है वो सब कुछ करूँगी, फिर सौरभ आएगा, चाय भी बनाना है। इतना सारा कपड़ा सुबह से ना धो के मैंने जस्ट अभी अभी डाली है बालकनी में, और देखिए क्या खतरनाक बादल भी आ गई है, लग रहा है कि बारिश अभी आने वाली है। लास्ट कुछ दिन से ना कपड़ा नहीं धो रही थी, एक बूंद भी बादल का कुछ पता नहीं था, बारिश नहीं हुई थी, अचानक से देखिए आज इतना ज़्यादा क्लाउड आ गई है, बारिश जस्ट आती ही होगी। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड में सब लोग आ गए हैं खेलने, खेल रहे हैं और चिल्ला मिल्ली कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज क्या है पता है, आज है महालया, यानी दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है गाइज आज से। महालया के दिन पे ना हम लोग वेस्ट बंगाल में पिकनिक करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इवन नोएडा में भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था महालया दुर्गा पूजा इन सारी चीज़ों के लिए। हाँ जहाँ जहाँ पे बंगाली कम्युनिटी है बैंगलोर में या तो फिर नोएडा में, उन सारे जगह पे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो हम लोग ना उठे थे सुबह 4 बजे, उठ के महालया सुने हैं, उसके बाद 1 घंटा बाद दोबारा हम लोग सो गए महालया सुनने के बाद, और फिर उठने में काफ़ी हमारा लेट हो गया था। तो उठ के सौरभ इडली लेके आया मार्केट से, इडली चटनी सांभर वड़ा वो सब कुछ नाश्ते में आज हम लोगों ने खाए हैं, और अभी यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, नहाने अभी तक नहीं हुआ है, मैंने सोचा कि फटाफट से लंच बना लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी नहाने, क्योंकि सौरभ को हॉस्पिटल जाना है एज यूजुअल। तो आज लंच बहुत ही सिंपल है, सौरभ काफ़ी दिन से बोल रहा था मछली खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला कि आज मछली ही लेके आओ, तो वो यहाँ पे लेके आ गया है रोहू मछली, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और नमक हल्दी से मैरिनेट कर लिया है, और इसी मछली का नहीं लेकिन दूसरे एक रोहू मछली का अंडा उनके पास अवेलेबल था, तो सौरभ को जैसे कि मछली का अंडे का पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं पकौड़ा के लिए ना मछली के अंडे को एकदम से साफ करके रखी हूँ। अभी इसमें बाकी के बहुत सारे चीज़ें सब कुछ डाल रहा है, फिर बनाऊंगी मछली अंडे का पकौड़ा, साथ में मछली का कड़ी, नॉर्मल पतला सा आलू डाल के चावल और थोड़ा सा करेला फ्राई करूंगी, दैट्स इट। डिनर ले लिया ना? आज डिनर में मैंने सौरभ को बना के दिया है क्या बोलते हैं उसको, पोहा, हाँ नाम भूल जाती हूँ, एक्चुअली बंगाली में ना हम लोग पोहा को चिरेड़ पोलाव बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया में पोहा बोलते हैं, तो सारे वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा पोहा मैंने उसके लिए बना के दिया है, और मेरे लिए भी मैंने रख दिया है वही, मैं भी डिनर में खा लूँगी। चलो बाय, सावधानी से जाना, लिफ्ट है ना। तो सौरभ निकल गया है और उसके बाद मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग करके नहा लिया है, काफ़ी दिन से हेयर ऑयलिंग करना नहीं हुआ था, आजकल ना मैं हफ्ते में 2 दिन तो एटलीस्ट हेयर ऑयलिंग कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े अभी सूख गए हैं, तो इन सारे कपड़ों को उठा के रख के मैं जाऊँगी थोड़ा बाहर, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेना है, बिग बास्केट से ही हर बार ऑर्डर करती हूँ ना,
तो इस बार सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बाहर जाके ही देख के लेके आती हूँ। हमेशा बिग बास्केट से ही ऑर्डर करती हूँ तो फिर ना भाव का पता नहीं चलता है कि मार्केट प्राइस कितना है और ऑनलाइन में कितने में दे रहे हैं, तो पता नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि आज बाहर ही चलते हैं, बाहर जाके थोड़ा सा सब्जी वब्जी कुछ खरीद के लेके आते हैं। घर पर सब्जी एकदम खत्म हो गया है और हाँ, जोसना भी जाएगी मेरे साथ, वो लोग आ गए हैं तमिलनाडु से घूम के, तो उसको भी बाहर कुछ जाना है, कुछ काम है, उसका भी नर्सरी जाना है, उसको कुछ प्लांट्स खरीदने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि चलो अगर तुम भी जाना चाहते हो तो एक साथ चलते हैं। तो चलिए सही है, मैं भी तो वैसे घर पे अकेली बोरी हो रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि उसके साथ जाके थोड़ा मेरा खुद का काम भी निपट जाएगा और मैं भी नर्सरी जाके एक बार देख लेती हूँ कि अगर मेरे पसंदीदा कुछ पौधा मिलता है तो मैं कुछ पौधा भी खरीद लूँगी। काफ़ी दिन से वैसे पौधा वगैरह कुछ खरीदना नहीं हुआ और मेरे ना सारे इंडोर प्लांट्स मर गए हैं। आउटडोर प्लांट्स तो सारे बहुत बढ़िया है, तो आसमान में तो बादल काफ़ी आई है, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले सारे कपड़े को उठा के रख के जाते हैं क्योंकि सारे सूख गए हैं। फिर पता चला कि हम लोग बाहर जाएंगे इतने में तेज़ की बारिश आ जाएगी तो फिर दोबारा सारे कपड़े भीग जाएंगे। और भी कुछ कुछ है दूसरे बालकनी में, वो भी उठाना है। अभी सारे कपड़े को यहीं पे ही बेड पे से डंप करके जाते हैं, शाम के टाइम पे, मतलब जब मैं बाहर से आ जाऊंगी उस टाइम पे सारी चीज़ों को मैं फोल्ड करूंगी। और यहाँ पे मेरा बैग रेडी है, सो अभी मैं निकलूंगी। मेरे जितने सारे इंडोर प्लांट्स मर गए हैं ना, तो वो सारे गमला मैंने यहाँ पे ले लिया है। सोच रही हूँ कि इसी में एकदम से प्लांटेशन करवा के ही लेके आऊँगी दुकान से ही। यूजुअली क्या करते हैं ना हम लोग, तो दुकान से खाली पौधा खरीद के लेके आ जाते हैं, घर आके उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे गमले में, तो उस टाइम पर ना काफ़ी टाइम पौधा मर जाता है। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना इसी को ही लेके जाते हैं, उन्हीं से ही अच्छे से प्लांटेशन करवा के ही घर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैग भी इसीलिए ले लिया है क्योंकि प्लांट भी लाना है मुझे और सब्जी वगैरह भी खरीदना है, तो बैग तो चाहिए ही। और चलिए, मैंने ये ले लिया है मेरा पर्स, निकलते हैं देखते हैं जोसना रेडी हुई है कि नहीं। ये वाला एरिका पाम ना मुझे बहुत पसंद आया है, देखिए छोटा साइज़ का है और कितना ज़्यादा, मतलब इसको बंगाल में बोलते हैं झाकड़ा, तो वैसे टाइप का भी है, बहुत पसंद आया लेकिन बहुत कॉस्टली बोल रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा बड़ा भी है ना, वो सारा बहुत ही कम प्राइस का है, वहाँ पे 200 का सब कुछ, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं। और ये वाला इतना पसंद आया है लेकिन ये 300 का बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं मैक्सिमम 280 कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो प्लांट देखे, यहाँ पर है ये एक लिया है मैंने, कितना सुंदर लग रहा है ना, इसका नाम क्या है पता नहीं है लेकिन सारे इंडोर प्लांट्स ही है, तो ये एक मैंने लिया है। और यहाँ पे एक छोटू सा रबर प्लांट है, तो ये भी बोल रहे हैं कि इंडोर में चलता है, तो ये दोनों मैंने अभी तक के लिए लिया है। और वहाँ पे और एक है भैया, उसको मतलब पॉटिंग कर रहे हैं अभी, मैं घर से एक पॉट लेके आई थी तो मैंने बोला कि आप ही उसी में डायरेक्ट डाल दो। तो वहाँ पे मैंने एक स्नेक प्लांट लिया है बहुत ही सुंदर, यहाँ पे दूसरा है, मैं दिखाती हूँ आपको, कम यार देयर इज दैट वन, ये देखिए ऐसा टाइप का एक स्नेक प्लांट मैंने लिया है जो कि अभी वहाँ पे पॉटिंग चल रहा है। ये देखिए आ गया है ये पॉटिंग होके, सी कितना सुंदर लग रहा है ना। और बंदा अभी बाकी के जो मेरे दो पौधा है वो भी लेके गया है। और जोसना ने लिया है एक मनी प्लांट, हाँ ये वाला एक मनी प्लांट लिया है, और यहाँ पे एक फ्लावर वाला है ये भी लिया है, और कुछ रोजेस के प्लांट्स लिए हैं उसने। हमें तो रोज़ इतना काम में नहीं आता, वो लोग पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं, फेस पैक वगैरह लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए रोज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर दो रोज़ का पौधा उसने लिया है, ये वाला कलर तो बहुत ही अनकॉमन है, और ये है एक रेड रोज़। तुलसी का पौधा भी उसको चाहिए था, तो मैंने बोला कि यहाँ पे बेकार पैसा देके फ़ायदा नहीं है, मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत सारे तुलसी का पौधा है, तो मैं तुमको वहाँ से एक दे दूँगी। कितने अच्छे अच्छे रोजेस है देखिए, इसको बोलते हैं चंद्रमल्लिका। लास्ट टाइम मैं चंद्रमल्लिका लेके गई थी, 2-3 महीने तक बहुत अच्छा खासा फूल दिया, उसके बाद मर गया, तो इसलिए मैं इस बार चंद्रमल्लिका नहीं ले रही हूँ। और रोज़ मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे कुछ काम में नहीं आते हैं ना, तो घर पे वैसे ही पड़ा रहता है, फूल झड़ जाता है, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं ले रही हूँ, अदरवाइज़ आई लव रोज़। और इतने सारे बड़े बड़े एरिका पाम हैं लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने ली थी लेकिन वो कुछ दिन बाद मर गया था। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स भी हैं, बहुत बड़ा है ये नर्सरी और हमारे घर के एकदम बगल में ही है। चलो अभी दाम भाव थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे थोड़ा सा किया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते, जितना कम हो पाए उतना ही अच्छा है। हो गया ठीक है, ये देखिए ये तीन मैं ले रही हूँ, और भी कुछ कुछ लेने का मन था लेकिन भैया दाम कम नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं ले पा रहे, ऑनेस्टली बोल रही हूँ उनके मुँह पे। जोसना यहाँ पे कर रही है इंस्टाग्राम के लिए कुछ वीडियोस। यू आर टेकिंग वीडियोस फॉर इंस्टाग्राम ना? ओह फॉर मी, थैंक यू सो मच, नाउ यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ ब्लॉगर।
चलो सही है, अभी इसका बिलिंग करवा लेते हैं। ये छोटा छोटा प्लांट ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला तो जोसना को भी बहुत पसंद आया था और मुझे भी बहुत पसंद आया था, लेकिन बहुत दाम बोल रहा है इसका। और यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे हैं, इसको सैकुलेंट प्लांट बोलते हैं आई थिंक, लेकिन महंगा है। दिखने में छोटा है लेकिन बहुत महंगा है। तो हमारा सब्ज़ी भी लेना हो गया है। यहाँ पे सब्ज़ी और पौधे का बैग दोनों एक ही साथ छोड़ रहे हैं, और अभी हम लोग जाएंगे एक दूसरा काम में, वो ख़त्म करके फिर यहाँ से हम लोग बैग उठा के लेके जाएंगे घर। घर ज़्यादा दूर नहीं है, इसी गली में है हमारा घर, और ये सामने मतलब ऑपोजिट में है वेजिटेबल शॉप। तो चलिए अभी हम लोगों को जाना है इस साइड में, वो काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद बैग लेके चलेंगे। व्हाट इज़ ही सेइंग? ओह ओके, लेट्स गो। सो यहाँ पे अभी हम लोग ले रहे हैं कुछ मिठाई। ये देखिए कितने सारे मिठाई है यहाँ पे, समोसा वगैरह सब कुछ है। और शॉप देख के और ये प्लेटिंग देख के तो आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि ये एक बंगाली शॉप है। जी हाँ, ये है एक बंगाली शॉप। शॉप का नाम है माँ दुर्गा स्वीट्स एंड टिफ़िन। मैं तो काफ़ी दिन से घर से नहीं निकल रही थी ना, तो मुझे पता भी नहीं है कि आसपास कितने सारे चीज़ें मतलब चेंजेस कितने सारे आ गए हैं। तो जोसना मुझे उस दिन बोल रही थी कि पता है हमारे घर के इधर ना एक बंगाली स्वीट शॉप भी ओपन हुई है। मैंने सोचा हमारे घर के सामने बंगाली स्वीट शॉप, लेकिन चलो आज देखते हैं। तो वहाँ पर सब्ज़ी की दुकान से अभी हम लोग आ गए हैं स्वीट शॉप में, और सीरियसली ये बंगाली स्वीट शॉप है। और ये जो भैया है ना, ये भी बंगाली है, सारे लोग इनका बंगाली है, कोलकाता सोदपुर या कहीं से वो लोग बिलोंग करते हैं। ये देखिए बंगाली कचौड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है, वेजिटेबल शॉप, समोसा, बंगाली समोसा ऑथेंटिक वाला सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जोसना ने भी कुछ मिठाई लिया है, उसने लिया है एक रसगुल्ला, एक मलाई चमचम और एक लैंगचा, और एक एक करके उसने लिया है। और मैंने भी सेम चीज़ दो दो करके लिया है सौरभ के लिए भी, वो तो एकदम खुश हो जाएगा, ही विल बी मोर देन हैप्पी यू नो। कत हो लो कॉलो ठीक कर, और जोसना भी ट्राई करेगी, उसको पता नहीं कैसा लगेगा। आई डोंट नो हाउ, आई मीन यू विल लाइक इट और नॉट। यू ऑलरेडी हैड? ओके ओके, देन चलो ठीक है। सो सब कुछ काम हमारा हो गया है। ये है मिठाई, और अभी लेंगे सब्ज़ी का और प्लांट्स का बैग और जाएंगे घर। ये देखिए हमारा फ्लैट दिख रहा है यहाँ से। अभी हम लोग हैं यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया के सामने। आज ना अच्छा खासा वॉक हो गया है, और हम लोगों ने बीच में खाया है व्हाट वाज दैट, मसाला पूरी एंड दही पूरी, मतलब बंगाली में जिसको दोई फुचका बोलते हैं वो खाए हैं, बहुत अच्छा था सीरियसली। सो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। ये रहा वेजिटेबल्स, उस दुकान में ना इतना सारा कुछ वेजिटेबल्स था नहीं, तो जितना मिला उतना ही हम लोगों ने ले लिए हैं। और यहाँ पे है सारे मेरे प्लांट्स, मैंने यहाँ पे बैग से निकाल के रखी हैं। और जोसना के प्लांट्स भी सारे आज मेरे घर पे ही वो रख के गई है, उसने बोला कि वो कल ला के लेके जाएगी। तो ये देखिए बालकनी में यहाँ पे उसके सारे प्लांट्स हैं, और मिठाई वगैरह वो सब कुछ फ्रिज में रखना है। पता है वो मिठाई वाला भैया ना इतना अच्छे हैं, हम लोगों को फ्री में एक एक मिठाई टेस्ट भी करने के लिए दिए थे। बोले कि बंगाली बंगाली है तो थोड़ा सा तो बनता ही है ना, ऊपर से हम लोग आज फर्स्ट टाइम गए थे। तो मुझे और जोसना को मलाई चमचम वो टेस्ट करने के लिए दिए थे। रियली इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, इतने दिन बाद बंगाली मिठाई ट्राई करके इतना अच्छा लग रहा है। वैसे दादा भाई के घर के वहाँ पे तो एक बंगाली मिठाई का दुकान है, बंगाली रसगुल्ला कभी कभी हम लोग वहाँ से खाते हैं, लेकिन घर के बिल्कुल बगल में ही एक शॉप मिल गया, मतलब आप समझ ही सकते हो हम लोग कितना ज़्यादा खुश है। हाँ प्राइस थोड़ा सा हाई है, जो मिठाई मतलब जो रसगुल्ला एंड ऑल ना वेस्ट बंगाल में 5 रुपये 10 रुपये का आता है, वही यहाँ पे वो भैया बेच रहे हैं 25 रुपीज़ 30 रुपीज़। 1 पीस समोसा 25 रुपीज़, क्या कर सकते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे रेंट वगैरह सब कुछ पे करके दुकान चलाना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी ये मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज चलिए, यहाँ पे मैंने अभी लैपटॉप ऑन करने के लिए बिठा दिया है, मेरा कुछ अभी काम है तो वो काम ख़त्म कर लूँगी, और उसके बाद डिनर विनर करके सो जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा हाफ गई हूँ, थक भी गई हूँ इतना आज वॉक कर लिया। चलिए आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल सुबह सुबह मिलेंगे और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।